राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने जा रहे पहले चरण के चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारक बनाए हैं। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम के साथ ही राजस्थान के भी 3 नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इन 3 नेताओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी धीरज गुर्जर का नाम शामिल है। इन नेताओं के अलावा राजस्थान के किसी नेता को उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में स्टार प्रचारक के तौर पर स्थान नहीं मिला है। मतलब साफ है कि राजस्थान से केवल गहलोत, पायलट और धीरज गुर्जर ही प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जुबेर खान भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी है, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसी प्रकार राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट, प्रदीप जैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वर्षा गायकवाड़, हार्दिक पटेल, फूलो देवी, सुप्रिया, इमरान, प्रताप गड्डी, कन्हैया कुमार, नीति शिंदे, धीरज गुर्जर, रोहित चौधरी और ताकिर आलम को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।